बुधवार को स्थानीय जनपद सभागार में पत्रकार बंधुओं का स्वागत कर विश्व प्रेस दिवस मनाया गया। सम्मान समारोह आयोजनकर्ता ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति तहसील भिकनगांव द्वारा मुश्किलों का सामना कर पुख्ता और सटीक खबरें बनाने वाले सभी कलमकारों को सम्मानित करते हुए पुष्पहार और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर रेल लाव समिति अध्यक्ष कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि परिस्थितियों में अपनी परवाह नहीं करते हुए वास्तविकता से अवगत कराने वाले सभी तरह की घटना और दुर्घटनाओं से हमें सचेत रखने वाले पत्रकार साथी हैं। आज विश्व प्रेस दिवस पर सभी पत्रकार साथियों का स्वागत कर हमारी समिति स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने इस अवसर पर अपने उद्गार करे। पत्रकार सम्मान समारोह का संचालन समिति सदस्य के बी मंसारे ने किया। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। अरिंद भाई जैन का अरिंद विनीत भाई बात विनीत भाई बात एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं और इस शुभ अवसर पर ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन भिकनगांव इकाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, क्योंकि आप लोगों का स्थान भिकनगांव में ही नहीं पूरी जिले में अग्रणीय रहा है। इस शुभ अवसर पर सभी मित्र सभी जन मिलकर एक गंभीर और अच्छे विषय को लेकर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस विषय के अंतर्गत इस निर्माण क्षेत्र में आज जो सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें लगती है तो रेलवे लाइन की लगती है, जिसके कारण आज सभी सब मिलकर इस उद्देश्य को पूरे करने के लिए एक हुए हैं और निश्चित तौर पर सभी एक कंधे से कंधा मिलाकर आगे इस कार्य को मूर्त रूप देंगे। इसी आशाओं के साथ सभी मित्र बंधुओं का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। निरंतर लगे रहते हैं, जैसे कि हम सब पूरा अगर जागरूक होते हैं तो प्रगति होती है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं मैं कि एक जगह किसानों का एक बैठा हुई मूर्ति माता अपने मोती बाबा मंदिर में, वो आंदोलन इतना अच्छा चला कि आज मिंजरवाड़ा योजना 745 करोड़ की हम लोगों को मिली। और राष्ट्रीय पत्रकार दिवस की नींव जो रखी थी वो 17 नवंबर 1920 को एक अमेरिकी नागरिक था थे वाल्टर लिपमैन और एक अमेरिकी दार्शनिक थे। उन्होंने एक जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जो भारत देश आजाद था 1920 में, उस समय एक भारतीय पत्रकारिता को लेके बहुत अच्छे पूरे क्षेत्र में इसके प्रति जागरूकता लाएंगे और पूरे तन मन से हम सभी के साथ में हैं। अगर ऐसा कोई मौका आए तो बिल्कुल हमें भी अवगत कराएं और साथ चलने को भी तैयार है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज अगर निर्माण में रेल लाइन चल जाएगी तो एक आप लोगों का और हम लोगों का इतिहास रचा जाएगा। इन लोगों ने कोई नेता वगैरह ये किसी के प्रयास से नहीं, लेकिन जन आंदोलन के जरिए ये जो कार्य हुआ है उसके लिए आप लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।